दिन भर की थकावट खिंच खिंच से परेशान हो तो एक मस्त उपाय बताऊं, हमारे चैनल की वीडियोस देखा करो। इसलिए तो आज आपके लिए ऐसे ऐसे कमाल के एक्सपेरिमेंट्स लेकर के आया हूं, जिन्हें देख कर के आपको मजा आ जाएगी। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अब आप अपने सामने यहाँ देखोगे, इनको सिर्फ आपको देखना ही है। मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन्हें घर पर ट्राई ना करें, ये काफी खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 10, रैकेट एंड कलर्स इन स्लो मोशन। दोस्तों, स्लो मोशन वाले वीडियोस कितने कमाल के होते हैं ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देख आपको अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं होगा। चलो तो फिर देखो। सबसे पहले बैडमिंटन वाले बल्ले पर कुछ कलर्स रख कर जैसे ही उस पर बॉल मारी गई तो बना कुछ ऐसा नजारा। अब जरा इस तरबूज को भी देख लो। अब जरा इस घास काटने वाली मशीन को भी स्लो मोशन में काम करते देखो। देखा, स्लो मोशन में दुनिया कितनी गजब होती है ना। नंबर 9, स्टिक बॉम्ब। दोस्तों, आपने डोमिनोज देखे हैं? नहीं, वो खाने वाले नहीं, मैं खेलने वालों की बात कर रहा हूं। चलो जाने दो, आपने आइसक्रीम स्टिक से कई तरह के आर्ट्स बनाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि आप इससे एक काफी गजब का डोमिनो भी बना सकते हो, जिसमें आपको सबसे पहले इन स्टिक्स को कुछ इस तरह के पैटर्न से अरेंज करना होगा, एंड देन इसके बाद आपको इसी पैटर्न में इन्हें आगे फॉर्म करते जाना है। बस तो फिर इसके बाद आप जैसे ही इसके एक छोर को डिस्टर्ब करोगे तो देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। भाई साहब, लोग लाते कहां से इतना दिमाग। नंबर 8, रोल्स रॉयस टॉय कार। क्या आपने कभी 30 लाख का खिलौना देखा है? नहीं देखा होगा, चलो तो आज मैं आपको दिखाता हूं। ये है दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस का एक छोटा वर्जन, जिसकी कीमत किसी और ब्रांड की रियल कार से भी ज्यादा है। दोस्तों, बिलीव नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने इसकी फैसिलिटीज को देखा तो मेरा भी दिमाग हैंग हो गया। दरअसल इस खिलौने को सेम टू सेम असली रोल्स रॉयस कार जैसा बनाया गया है। इसमें स्टेयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, ब्रेक्स और तो और सीट बेल्ट भी लगे हुए हैं। और जरा इसका रिमोट भी देखो, कितना ज्यादा प्रीमियम है। इस गाड़ी में वो सब कुछ मौजूद है जो एक असली रोल्स रॉयस में होता है, तो जरा आप खुद ही देखो। दरअसल रोल्स रॉयस ने इस टॉय को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया था, पर इसके चाहने वालों ने इसे भी खरीदना शुरू कर दिया और ये कार भी इनके लिए काफी प्रॉफिटेबल सिद्ध हुई। अच्छा, क्या आप जानते हो कि जो रोल्स रॉयस की रियल कार होती है उसके आगे जो स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी का फिगर होता है वो रियल गोल्ड का बना हुआ होता है, जिसकी कीमत ही एक फॉर्च्यूनर से ज्यादा होती है। नंबर 6, वाटर इन हॉट ऑयल। दोस्तों, क्या होगा अगर हम खौलते हुए तेल में पानी डाल दें? जब भी मेरी मम्मी सब्जी बनाती है तो जैसे ही तेल में मसाला डाला जाता है तो उसमें छोटी सी आग निकलती है, जिसे बचपन में देख करके मुझे तो काफी मजा आता था। चलो तो फिर आज हम इसे बड़े लेवल पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले दिलराज भाई ने एक बलून में पानी भर लिया और फिर कुछ इस तरह से उसे तेल से भरी कढ़ाई के ऊपर लटका दिया, और भाई साहब जैसे ही बलून को खोलते हुए तेल में छोड़ा गया तो हुआ कुछ ऐसा। Yeah.
एंड वन। ओ भाई, ये तो एक ब्लास्ट से कतई कम नहीं था। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कहीं हमारे भाई इंजर्ड ना हो गए हो, पर यार ये काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए आप कुछ ऐसा कभी भी ट्राई मत करना। नंबर 5, सिटिंग ऑन हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स एक आदमी का किस तरह से कचूमर बना सकते हैं, ये तो हमने हमारी पहले की वीडियोस में बताया था। लेकिन क्या होगा जब कोई आदमी हेलीकॉप्टर की ब्लेड के बीच में बैठ जाए? चलो तो हम इसे देखते हैं। अब आप यही सोच रहे होगे ना कि इतना खतरनाक स्टंट भला कैसे पॉसिबल है, और ये जो आदमी इन ब्लेड्स के ऊपर बैठा है ये गिर क्यों नहीं रहा? तो दोस्तों, जरा आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई बताता हूँ। भाई दरअसल ये वीडियो काफी शानदार वीडियो एडिटिंग का कमाल है, जिसमें ये जो स्टंट आपको रियल दिख रहा है ना, ये एकदम फेक है। एक से एक लोग हैं दुनिया में। नंबर 4, टूथपेस्ट हैक्स। क्या आपको पता है कि जहां हम लोग कोलगेट का इस्तेमाल केवल दांत को साफ करने के लिए ही करते हैं, वहीं ये गोरे लोग तो इसे कुछ और ही बना बैठे हैं। तो जरा इसे देखो, जब भी खाना बनाते वक्त आपका बर्तन जल जाए तो आप इसे कोलगेट से धोकर वापस पहले जैसा कर सकते हो। ऐसी एक परेशानी में तो आप भी फंसे होंगे कि जब हम प्रेस करते हैं तो कभी गलती से कपड़ा जल जाता है और प्रेस में चिपक जाता है। कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं निकलता, लेकिन अब उसका भी इलाज मिल गया है। आप दरअसल कोलगेट की मदद से आसानी से उस जले हुए कपड़े को भी निकाल सकते हो। ऐसे ही दोस्तों, कुछ दिन तक टूथब्रश को यूज करने के बाद उसके ब्रिसल्स फैल जाते हैं, लेकिन चलो आज आपको उसका भी इलाज बता देता हूँ। आपको यहाँ करना क्या है कि पानी को गर्म करके उसके अंदर ब्रश को कुछ समय के लिए रख देना है, और उसके बाद जैसे ही आप अपने ब्रश को बाहर निकालोगे तो एकदम नए जैसा बन जाएगा। थे ना काफी कमाल के लाइफ हैक्स। नंबर 3, फ्लाइंग बिगेस्ट काइट इन द वर्ल्ड। दर्शकों, अभी तक आप लोगों ने आसमान में ऐसी उड़ने वाली पतंगे देखी होंगी, ये ज्यादातर इतनी ही बड़ी होती हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी इतनी बड़ी पतंग देखी है? नहीं देखी तो देख लो, ये है दुनिया की सबसे बड़ी पतंग, जिसका नाम है नागराज। दरअसल इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उड़ाया गया था, जिसमें से बनाने वालों को लग ही नहीं रहा था कि ये उड़ पाएगी, पर जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। दोस्तों, ऐसी पतंग को उड़ाने के लिए बहुत सारे आदमियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक आदमी इसे उड़ाने बैठ जाए तो वो तो पतंग के साथ ही उड़ जाए। हालांकि इतनी बड़ी होने के कारण ये पतंग ज्यादा देर तक तो नहीं उड़ पाती, लेकिन जितनी देर भी उड़ती है यहाँ खड़े सभी लोगों का दिल जीत लेती है। नंबर 2, बरिंग कार अलाइव। दोस्तों, जब भी हम किसी भी चीज को जमीन में गाड़ देते हैं तो वह कुछ समय बाद सड़ जाती है, लेकिन क्या होगा जब हम किसी कार को जमीन में गाड़ देंगे? हम जैसे लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अपने कारनामों के कारण मशहूर मिस्टर इंडियन हैकर वाले दिलराज भाई ने तो ऐसा कर डाला है। इन्होंने क्या किया कि एक नए नवेली कार को 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसके अंदर गड़ा दिया, केवल ये देखने के लिए कि क्या ये गाड़ी कुछ महीनों बाद सलामत वापस निकल पाएगी। गाड़ी को 3 महीनों के लिए जमीन के अंदर दफन कर दिया गया, और जब इसे वापस निकाला गया तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। स्टीयरिंग चालू है, लेकिन भाई साहब गाड़ी तो पूरी तरह से सड़ गई, मानो जैसे कि कोई भंगार हो। अरे इवन गाड़ी का कोई भी पार्ट तक सलामत नहीं बचा था, यहाँ तक कि गाड़ी के अंदर भी मिट्टी भर गई थी।
और जरा आप कंपैरिजन देखो एक नई गाड़ी और इसी तरह की दफन हो चुकी गाड़ी में। नंबर एक, कोका कोला वर्सेस मेंटोस। दोस्तों कोका कोला में मेंटोस डालने से क्या रिएक्शन होता है ये तो हम सभी को पता है, पर आज तक हमने इसे काफी छोटे लेवल पर देखा है, लेकिन आज यहाँ कुछ अलग होने वाला है। दरअसल प्रैंकस्टर नाम के इस यूट्यूब चैनल ने क्या किया कि एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाकर उसके अंदर बहुत सारा कोका कोला भर दिया और फिर एक आदमी ने अपने पूरे शरीर पर टेप लपेट कर उस पर मेंटोस की गोलियां चिपका ली और फिर जैसे ही आदमी ने कोका कोला के पूल में जंप किया तो हुआ कुछ ऐसा। अरे यार, मुझे तो लगा था कि कोई बड़ा सा धमाका होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों को पता होना चाहिए कि पूल में इतनी देर तक कोल्ड ड्रिंक को रखोगे तो उसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही उड़ चुकी होगी। चलो ठीक है, हमें तो पता है ना। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि हम ऐसी ही काफ़ी खुराफाती वीडियोज लेकर के आते रहते हैं। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।